दोस्तों, आज से 3-4 दिन पहले एक टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था कि जो बिंदास काव्य हैं वो घर से चली गई हैं। ठीक है, तो उस पर सभी क्रिएटर ने वीडियो बनाया कि उस बच्ची की हेल्प हो सके। और इसी बीच एक क्रिएटर हैं F2ZTech, यू नो गाइज, कि F2ZTech, जैसे कि आप लोग साइड में देख सकते हो, F2ZTech, इनके चैनल पर करीबन जो है 2.08 के सब्सक्राइबर हैं। और इन्होंने बिंदास काव्य पे एक वीडियो बनाया कि बिंदास काव्य जो है घर से चली गई हैं और उसकी आप लोग हेल्प करो। और उसके जो सब्सक्राइबर कम है लेकिन उनकी वीडियो पे व्यूज़ आ जाते हैं, 50-60 में व्यूज़ आ जाते हैं, तो उनका मतलब इंटेंशन ये था भाई का कि 50-60 लोगों तक जाएगा तो वो भी वीडियो को बनाएंगे, ठीक है, ताकि उस बच्ची की हेल्प हो सके, ताकि ये जो खबर है वो ज़्यादा लोगों में फैल सके, ताकि वो बच्ची जल्दी से जल्द मिल जाए, ठीक है। लेकिन गाइज, उस बंदे ने जब वीडियो बनाया, उसकी वीडियो जब वायरल हुई, करीबन 2-3 लाख व्यूज़ उस पर आए, तो लोगों ने बहुत ही गलत बोलने लगा, मतलब बोलने लगे कि गालियां देने लगे कि तुम अपने मतलब के लिए वीडियो बना रहे थे, कि वीडियो वायरल करवाने के लिए वीडियो तुमने बनाया, ये अपना मतलब मेन इंटेंशन तुम्हारा ये नहीं था कि उसकी हेल्प करना। भाई, आज के ज़माने में अगर आप किसी की हेल्प भी कर रहे हो ना, तो वो भी लोग गलत तरीके में, गलत वे में ले लेते हैं, ठीक है। तो मतलब यार, उस बंदे की बस इतना ही सोच था कि उस बच्ची की हेल्प हो सके। और सभी क्रिएटर, इनफैक्ट सभी क्रिएटर गए जिस पे वीडियो बना रहे थे कि हाँ भाई, उस बिंदास का भी मिसिंग हो गई है, मतलब कहीं घर से चली गई है, तो उस पे सभी लोग वीडियो बनाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये खबर फैले। उसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो रहे थे, रो रहे थे, तो अगर ज़्यादा खबर फैल जाएगी तो हेल्प हो सकेगी। लेकिन अब कई लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं कि यार, यार अपने फ़ायदे के लिए वीडियो बनाया है, अपने उसकी वीडियो वायरल हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मतलब तरह तरह की गालियां भी देने लगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम करके भी गालियां दे रहे हैं कि ऐसा तुमने अपने फ़ायदे के लिए किया है। देखो भाई, अगर किसी की हेल्प कर रहे हो और वो वीडियो वायरल हो जाती है, तो लोग उसका गलत इंटेंशन निकालने लगते हैं कि यार तुमने अपने फ़ायदे के लिए किया है। लेकिन ये भी तो देखो कि यार, उस बंदे ने वीडियो बनाया, ठीक है, और 2-3 लाख लोगों ने इस बंदे को देखा, मतलब उस वो जो खबर है वो 2-3 लाख लोगों तक चला गया, ठीक है, ताकि अगर वो 2-3 लाख जो देख रहे हैं, इनफैक्ट कहीं अचानक कहीं मिल जाए, तो उसकी हेल्प हो सकेगी, उस बच्चे की हेल्प हो सकेगी। इसलिए आदमी ये सोच के बनाता है, यही सोच के बनाता है कि ये खबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैले। फिलहाल अभी जो है बिंदास काव्य मिल चुकी हैं और वो अभी अपने पेरेंट्स के साथ में है और काफ़ी सब कुछ ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि गाइज, अगर किसी की हेल्प हो, यू नो गाइज, कि वैसे भी यूट्यूब पे है, अभी कम्युनिटी है कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं लोग, ठीक है, तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट है यार, कि कम्युनिटी में, मतलब यूट्यूब कम्युनिटी में अभी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, बस इतना ही चाहिए। लेकिन आप लोग यार, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो हेटर्स जो होते हैं, हेटर्स, वो गलत तरीके से लेते हैं। अभी अगर किसी का चैनल हैक हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो पूरी हेल्प करते हैं उसके चैनल को वापस लाने में, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिएटर होते हैं जो खुश हो जाते हैं कि हाँ ठीक हुआ, अच्छा हुआ, इसका चैनल हैक हो गया, बहुत बोलता था, बहुत ऐसी ऐसी वीडियो बनाता था, मतलब जलने वाले भी बहुत हैं। लेकिन गाइस, जब तक आप लोग साथ रहोगे, जो अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं जो जब तक साथ रहेंगे, तब तक भाई यूट्यूब पे कोई कुछ मतलब गलत तरीके से और किसी को गाली देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। तुम F2ZTech जो हैं, ये बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी अच्छी वीडियो, 3.5 लाख इनके व्यूज़ चला गया, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, 3.5 लाख व्यूज़, ठीक है। तो ठीक है यार, जब कोई वीडियो अगर बंदा बनाता है, तो उसको गलत वे में मत लिया करो, और अगर वीडियो वायरल हो जाए तो उसको अच्छे वे में लिया करो। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं मैंने देखा है, ठीक है, किसी की वीडियो अगर वायरल हो जाती है तो उसको ट्रोल करने लगते हैं कि अरे यार, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, तो ये सही नहीं रहता है, ठीक है। यही गाइस, मुझे बहुत ही बेकार लगा कि भाई को बता, एक तो वीडियो उसकी वायरल हुई और 2 साल से बंदा मेहनत कर रहा था, 2 साल से, और 2 साल में एक वीडियो वायरल हो गई तो लोग उसको ट्रोल करने लगे, यार सही नहीं रहता है, ठीक है भाई। आप मेहनत करते रहो, अपना काम करते रहो, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहो, दूसरों की हेल्प करते रहो, लोग क्या बोलते हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपका काम है, हम लोगों का काम है हेल्प करना, ठीक है, आप लोगों का काम है सपोर्ट करना। हेटर्स भी होते हैं और लवर्स भी होते हैं, ठीक है, तो हेटर्स को इग्नोर करो, लवर्स को एक साथ जोड़ो अपने, ठीक है। तो गाइज, आप लोग वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए जुड़े तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।